मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैंने अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म किया है अपना। और ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था सूजी की इडली, मेरे चैनल पे डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। और अभी मैंने अपना लंच चढ़ा दिया है और उधर वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि आज का जो वेदर है वो बहुत ही क्लाउडी क्लाउडी वेदर है, इसलिए सुबह से ही तो मैंने सोचा थोड़ा धूप निकल जाए उसके कपड़े धोऊंगी, लेकिन धूप नहीं निकला अभी तक 11:30 बजे तक। तो मैंने सोचा नहीं, कपड़े धुल देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर मौसम अच्छा रहा तो बाहर डालूँगी, नहीं तो घर में ही फैन के नीचे में डाल दूँगी, फिर देखती हूँ। अभी फिर फिलहाल तो मैं लंच बना रही हूँ अपना लंच। इधर मेरे चावल चढ़े हुए हैं और दाल मेरी बन चुकी है और मैं बना रही हूँ करेले की भुर्जी। करेला मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसमें प्याज नहीं डालती हूँ, सिर्फ करेले को भूंजती हूँ। तो किशन को ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे भी अच्छी लगती है। प्याज डालने से कड़वापन कम होता है बट थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, जो कि किशन को नहीं अच्छा लगता। और बिल्कुल सिंपल तरीके से जस्ट हल्दी और नमक डाल के और इसको भूनती हूँ। वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं मेरे कपड़े, मैंने कपड़े लगा दिए हैं वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। और मैं यहाँ पे दाल छौंक रही हूँ जिसमें मैंने डाला एक सूखी मिर्च, चॉप गार्लिक, और थोड़ा सा पंचफोरन डाल दिया और गैस ऑफ कर दिया, और जो गर्म था उसी में मेरे जो गार्लिक है वो पक जाएंगे। उसके बाद मैं बना रही हूँ तुरई की सब्जी। तुरई को मैंने अच्छे से छील के अच्छे से काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से, और इस तुरई को अभी मैं बनाऊंगी, इसको इधर झींगी बोलते हैं, झींगी की सब्जी बनाऊंगी मैं। और इसके साथ ऐड करूंगी चना दाल और मसूर दाल जिसको मैंने भिगो लिए हैं, और इसको मैं इसके साथ ऐड करके बनाऊंगी सब्जी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म होने देती हूँ, उसके बाद इसमें डालती हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, और इस प्याज को अच्छे से भूनना है बिल्कुल सॉफ्ट होने तक। और जब प्याज अच्छे से भून जाए तब उसमें डालती हूँ बारीक कटे हुए टमाटर, और इस टमाटर को भी अच्छे से भूनना है टमाटर गलने तक। और उसके बाद फिर इसमें ऐड करती हूँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको अच्छे से भून के, और उसके बाद मैं ये जो झींगी कटी हुई है मेरी उसको डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी वो दाल जो कि भिगो के रखे थे, वो भी इसमें मिला दूंगी और अच्छे से चला के फिर इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर और नमक, और अब इसको ढक ढक के भूनना है। और नमक डालने से ये पानी छोड़ देता है, आप देख सकते हैं, और पानी नहीं डालना इसमें, इसी पानी में ये जो झींगी है ये पकेगी। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये है सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा मसाला डालना है क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, जस्ट थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच छोटी चम्मच से इतना मसाला डलता है। और फिर इसको ढक ढक के भूनना है और ये अच्छे से पक जाता है बिना पानी डाले। और मसाला पकने के लिए भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि झींगी से जो पानी निकलता है उससे मसाला भी अच्छे से पक जाता है और झींगी भी। और आप देख सकते हैं मेरी सब्जी जो है वो बन चुकी है, क्योंकि पानी पूरी तरह से सूख चुका है और सब्जी अच्छे से पक चुकी है, और ये रेडी है झींगी और चना दाल की सब्जी।
और अब मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि आज रोहित को चावल नहीं खाना है, उसने कहा है कि रोटी खाऊंगा, तो वही मैं रोटी बना रही हूँ। और उधर बन रही है आम चटनी। ये है मेरा आज का लंच, थर्सडे स्पेशल लंच। चावल, आम की चटनी, दाल, तुरई की सब्जी यानी झींगी की सब्जी, झींगी और चना दाल, मसूर दाल की सब्जी, और ये है करेला भुंजिया, और ये सैलेड। तो ये है मेरा थर्सडे स्पेशल लंच और मैं जा रही हूँ लंच अभी कर। अभी शाम के टाइम बज रहे हैं, 7:45 होने वाले हैं, 6:40 हो चुके हैं। और अभी अभी देखिए मेरे घर में एक कोयल का बच्चा घुस गया है, पता नहीं कैसे दरवाजे से, दरवाज़ा खुला हुआ था तो वहाँ से घुस गया है ये कोयल का बच्चा। और हम लोगों ने फ़ैन ऑफ कर दिया है क्योंकि हो सकता है उसे चोट लग जाए उसको, और उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको रास्ता दिख नहीं रहा है। हमने इधर का दोनों दरवाज़ा खोल के रखा है, दोनों जो हम लोग के जो डोर हैं वो खोल दिए हैं कि निकलने का जगह मिल जाए, खिड़की भी खुली हुई है, बट उसको जगह नहीं मिल रहा है, उसको दिख नहीं रहा है कि कहाँ से निकलना है। अब परेशान है बेचारा, देखते हैं कितना देर में निकलेगा। और फाइनली वो निकल गया कोयल का बच्चा। हम लोगों को बहुत राहत लगा कि चलो वो निकल गया, क्योंकि बहुत टेंशन हो रहा था कि कैसे निकलेगा, क्योंकि खिड़की बहुत छोटी थी, छोटा छोटा उसमें रॉड है तो निकल पाता कि नहीं पाता, इसलिए दरवाज़ा खोल के रखा था कि दरवाजे से ही निकल गया। बहुत खुशी हुई है देख के। अभी हो रही है शाम और मैंने ढेर सारा वाटरमेलन और मार्शमेलन कटा हुआ है, तो अभी हम सब इसको मिलके खाएंगे। और गर्मियों में ये बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक, थोड़ा सा काला नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है और सबको इसी तरह से अच्छा लगता है, इसलिए मैं काला नमक डाल रही हूँ। और गर्मी में ये ठंडा ठंडा मार्शमेलन और वाटरमेलन बहुत टेस्टी लगता है। और हम सब एंजॉय कर रहे हैं फ्रूट्स। और हम सब ने खा लिया है फ्रूट अभी, और किशन को मैंने चाय बना के भी दे दिया। और अभी टाइम हो गए हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ अपना डिनर बनाने। और डिनर में आलू और बैंगन की सब्जी, और आलू बैंगन की सब्जी मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से आज बनाऊँगी, क्योंकि आज मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी आज की सब्जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना लहसुन प्याज के, केवल आलू बैंगन और टमाटर को काट के, और आलू का मैं छिलका नहीं निकालूंगी, छीलूंगी नहीं, बिना छीले आलू को बनाऊंगी, इससे थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं अपना डिनर। और कढ़ाई में तेल गर्म होने दे रही हूँ और उसमें डालूंगी मैं मिर्च, और मैंने यहाँ पे 2 मिर्च तोड़ के डाला हुआ है, और उसके बाद डाला है पंचफोरन। और अब सब्जी डाल रही हूँ, और इसमें डाला है मैंने आलू बैंगन और टमाटर को मोटा मोटा काट के, और हल्दी और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और फिर इसको ढक के भूनूंगी। और मेरा जो सब्जी है वो हाफ कुक हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर,
कर थोड़ा सा और थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये है काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और इन सब मसालों के साथ मैं लगभग 5 मिनट तक इसको भूनूंगी और उसके बाद इसमें पानी डाल दूंगी। मेरे मसाले भून चुके हैं, अब मैं पानी डाल दूंगी इसमें। और आलू जो है ऑलमोस्ट पक चुके हैं, बट थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि जो बैंगन है वो पूरी तरह से गल जाए। बैंगन को हमें गोटा नहीं रखना है, बिल्कुल गला देना है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है। और फिर इसे ढक दूँगी ताकि बैंगन जो है वो अच्छे से गल जाए। एक तरफ बन रही है मेरी सब्जी और दूसरे साइड दूध गर्म हो गया अभी अभी मेरा, और अब मैं यहाँ पर रोटी बना लूँगी। और मेरी सब्जी देखिए बन चुकी है और मैं गैस को एकदम सिम पे कर दी हूँ और डाल रही हूँ ऊपर से फ्रेश धनिया पत्ता बारीक काट के और फिर मिक्स करके और गैस ऑफ कर दूँगी। और ये है मेरा आज का डिनर, गर्मा गर्म डिनर। ये आलू बैंगन की सब्जी, रोटी और ये आम की चटनी जो कि मैंने दोपहर में बनाई थी। तो मेरा डिनर रेडी है और मैं जा रही हूँ डिनर करने। डिनर होने के बाद मैंने किचन क्लीनिंग कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि रात के 11:05 हो चुके हैं और फिर कल सुबह उठना है क्योंकि कल सुबह फिर बच्चों के है स्कूल। तो मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।